अगर आपने मान लीजिए एक सिंपल एग्जाम्पल, किसी से आज 100 रुपए बोरो किए ईयर जीरो में, यानी कि आज, और 1 साल बाद उसे 110 रुपए रीपे किए, तो एक्स्ट्रा कितना दिया? 10। ये 10 आप इंटरेस्ट बोल लो, बट अभी की भाषा में आप इसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोल लो, बस यही कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट है। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल? कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द एक्स्ट्रा अमाउंट दैट वी पे फॉर यूजिंग समवन्स मनी इन आवर बिजनेस फॉर लॉन्ग टर्म। दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अप्रिसिएशन ऑफ मार्केट वैल्यू। ओके, इन दिस चैप्टर वी एम टू कैलकुलेट दिस फिगर ओनली, बट इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल? 10%। एक 100 रुपए पे 10 रुपए दिया, 10%। वी आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट दिस परसेंट, नॉट द अमाउंट, बिकॉज अमाउंट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। एंड द चैलेंज इन कैलकुलेशन कम्स बिकॉज द कैलकुलेशन वुडंट बी फॉर 1 ईयर। तो 1 ईयर से मैंने बता दिया, बट एक्चुअली लॉन्ग टर्म के लिए जो रुपए लाते हैं उसे कैपिटल कहते हैं। लॉन्ग टर्म मतलब मिनिमम 5 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए जब रुपए लेके आ रहे हैं, ओके, तो उस समय आप एक्स्ट्रा देते हो। अब वो एक्स्ट्रा जो दे रहे हैं उससे ये परसेंट कैसे निकाला जाएगा? उस डिसीजन में या उस कैलकुलेशन में, सिंस मोर देन अ ईयर का समय इन्वॉल्व होगा, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपको इन्फ्यूज करना होगा, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू कॉन्सेप्ट यहाँ पे एंट्री जब ले लेगा तो परसेंट कैसे निकलेगा। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? और मजे की बात, आप मेरे साथ टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर किए हैं, उसमें सर ने क्या सिखाया? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + r^n। यही तो सिखाया। अब अगर ये इक्वेशन को यूज करना आता है तो आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट पता है। हमारा एम क्या है ये आर पता करना, आर परसेंट में होता था ना, बस हम यही जानना चाहते हैं। हर कैलकुलेशन में हमारा एम रहेगा आर को पता करना। टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर में ये आर हम लोग दे देते थे, अभी ये आर पता करना होगा। अब इस आर का दोस्तों अलग अलग नाम है, जब आप अलग अलग कैपिटल का सोर्स पे दिमाग लगा रहे हैं। जैसे अगर आप डेट के लिए दिमाग लगा रहे हैं तो उस समय आर को बुलाते हैं केडी, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ डेट। क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ डेट। तो सर सीडी क्यों नहीं? अमेरिकन स्टाइल, अमेरिका में कैट का स्पेलिंग KAT है, ठीक है, इसलिए वो केडी है। अमेरिका में ये सब सोचा गया था इसलिए वहां का सिंबल्स रह गया केडी। जब आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे दिमाग लगाते हैं उसे हम कहते हैं KP, मतलब आर का ही नाम है, आंसर सारा परसेंट में रहेगा। जब आप इक्विटी शेयर कैपिटल पर दिमाग लगाओगे तो क्या बोलेंगे? के ई। जब आप रिजर्व्स और सरप्लस पर दिमाग लगाओगे तो के आर। एंड के आर के ई एक ही चीज है, बट फिर भी के आर। और जब सबको मिला के कंबाइंड दिमाग लगाओगे, सब इकट्ठा कर दिया जाए अगर, क्योंकि एक कंपनी में तो सब तरह से रुपए आएंगे, तो सबका कंबाइंड नाम है KO, ओवरऑल, KO, ओवरऑल। इस चैप्टर का लर्निंग ऑब्जेक्टिव है 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 चीज पता करना। इस चैप्टर में ये 5 चीज आ गया, आपका काम बन गया। 1 साल का सीन होना बहुत आसान था, कुछ पढ़ाई की जरूरत नहीं थी, हिसाब तो करवा दिया था 1 साल का, 10% इज द आंसर।
लेकिन जब मल्टीपल ईयर्स इन्वॉल्व होंगे तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन्फ्यूज होगा, टाइम वैल्यू मनी इन्फ्यूज होगा तो फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू इन्फ्यूज होगा, फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू इन्फ्यूज होगा, तो जो फॉर्मूला है वही चलेगा, जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसेप्ट है वही चलेगा, बस फर्क ये होगा कि आर आपको बताना पड़ेगा। अब ये आर बताने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं अलग अलग जगह घुस के, वही आपको मेरे साथ सीखना है। गॉट इट? कंसेप्ट क्लियर है? चलिए ये लिखिए। पहला पॉइंट, कैपिटल। कैपिटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस फॉर अ लॉन्ग टर्म पीरियड। अमाउंट इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस फॉर अ लॉन्ग टर्म पीरियड। लॉन्ग टर्म मतलब यूजुअली ग्रेटर देन 1 ईयर। नंबर टू, सोर्सेज ऑफ कैपिटल। इसमें दो पार्ट निकालिए, एक डेट जिसको आप बोरोड फंड बोलते हैं, दूसरा इक्विटी जिसको आप ओन्ड फंड बोलते हैं। इक्विटी में हम लोग तीन पार्ट निकाल रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर और रिजर्व्स इन सरप्लस। एंड डेट मतलब हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं अभी डिवेंचर्स या फिर बॉन्ड्स, डिवेंचर्स और बॉन्ड्स। डिवेंचर्स और बॉन्ड्स, टर्म लोन भी होता है बट उसके क्वेश्चंस एग्जाम में उतने कॉमन नहीं है इसलिए मैंने नाम अभी लिखा नहीं। नेक्स्ट नंबर थ्री, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एडिशनल अमाउंट इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस नहीं, एडिशनल अमाउंट पेड फॉर अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। एडिशनल अमाउंट पेड फॉर अमाउंट इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस। एडिशनल अमाउंट पेड फॉर अमाउंट इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस, यही तो है, इज नोन एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एज दिस इज टू बी पेड फॉर दैट इज इट विल इन्वॉल्व आउटफ्लो, देने पड़ेंगे मतलब आउटफ्लो होगा ना, तो इसका एक और नाम रखा गया है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल थ्योरी में काम आता है, इम्प्लिसिट कॉस्ट अभी नहीं समझाएंगे, बाद में कभी किसी और चैप्टर में समझाएंगे, अभी समझ में आएगा नहीं उतना। कैपिटल बजटिंग चैप्टर जब करोगे ना उसमें इम्प्लिसिट को समझिएगा, ध्यान रखिएगा इम्प्लिसिट सीखना बाकी है, पढ़ाई का पार्ट तो है
बट इस चैप्टर में नहीं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्यों एक्सप्लिसिट बोलते? देखो एक्स मतलब जो बाहर जाए, समझ गए होंगे, गहराई था बात में, बहुत गहराई था। एक्स, हाँ बहुत गहरा बात था ये। एक्स मतलब जो बाहर चला जाए उसे एक्स कहते हैं। हाँ तो वही एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट मीन्स इट विल इन्वॉल्व आउटफ्लो, बाहर जाएगा, देना पड़ेगा। तो देना पड़ेगा तो इसी से एक्स वर्ड डाला। एक्सपेंस आता है कि जाता है एक्सपेंस में? हाँ जी जाता है, तो वहीं से वर्ड उठाया आप ऐसा सोचिए। नेक्स्ट नंबर थ्री, सॉरी नंबर फोर, ट्रेजर्स ऑफ चैप्टर। हियर वी आर सेइंग इट इज अबाउट कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग कंप्यूटेशन ऑफ नंबर वन केडी। केडी का फुल फॉर्म आप लिख लो, कॉस्ट ऑफ डेट। नंबर टू केपी, क्या हुआ, फुल फॉर्म लिखते रहना, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। के, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। के आर, कॉस्ट ऑफ रिजर्व। के ओ, कॉस्ट ऑफ ओवरऑल नहीं बोलते, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलिए। कॉस्ट ऑफ ओवरऑल जमा नहीं ना सेंटेंस, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसका दूसरा नाम है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता है, इसका टेंशन सबसे कम है, क्योंकि इसमें सबको मिलाना है, सबको मिलाना है मतलब सबको एवरेज करना है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये पांच चीज सीख गए तो आप चैंपियन हो गए। इसके साथ साथ इसी चैप्टर के अंदर बीच में हम लोग कट लेके एक चीज सीखेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं इंक्लूडिंग वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज यूजिंग गिवन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सर ये क्या लिखा दिया आप, छोड़िए ना, अभी लिख के रखिए खाली, ये एक अलग से एड ऑन है इस चैप्टर में। कई बार इसको दूसरे सरों के यहाँ पर अलग चैप्टर बना के पढ़ाते हैं, बट हम लोग आपके साथ यहीं पे पढ़ लेते हैं, अलग चैप्टर नहीं बनाते। ओके तो आप समझ लेना ये जो चैप्टर आप मेरे साथ करोगे वो दो चैप्टर का मिलाया हुआ एक चैप्टर है, तो समय भी उसी हिसाब से इस चैप्टर में जाने वाला है। आगे बढ़ते हैं। बिफोर आई विल टेक यू इनसाइड केडी, आई वॉन्ट टू डिस्कस सम बेसिक कैलकुलेशन विथ यू विच कैन बी अप्लाइड इन एनी ऑफ आवर डिस्कशन। इट इज जस्ट टू ब्रश अप द टाइम वैल्यू कॉन्सेप्ट वंस अगेन। ओके लिखो, फंडामेंटल एग्जाम्पल्स नंबर वन। मतलब इससे चैप्टर तैयार हो जाएगा, आपको कोई डरा नहीं सकता इस चैप्टर के कैलकुलेशन में, ये गारंटी है। तो इसके लिए थोड़ा वक्त दीजिए और आप प्रैक्टिस कर लीजिए कैलकुलेशन और सीख जाइए।
से एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें सिनेरियो है, एग्जांपल वन है कि आपने ईयर जीरो में अमाउंट बोरो किया। अब बोरो किया तो सर डेट हुआ कि इक्विटी हुआ, जो भी सोच लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी सोर्स सोचो। मैं जनरल कैलकुलेशन पे दिमाग लगा रहा हूँ, 100, और ईयर वन में अमाउंट रीपे किया 110, सो व्हाट इज द डिफरेंस, एडिशनल कितना पे किया, 10। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना हुआ, इट इज आई मीन अमाउंट बेसिस 10 बट परसेंट बेसिस में 10/100, 10%, वेरी इजी। बट दुख की बात, ये कभी पूछा नहीं जाएगा क्योंकि इसमें एक साल ही था और कैपिटल मतलब एक साल से ज्यादा। तो सर आप चेंज कर दीजिए ना, जैसे ईयर जीरो में अमाउंट बोरोड अगर 100 है और ईयर फोर में जाके अमाउंट रीपेड 160 रुपीज है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा? देखो, जिनको मेरे साथ इस चैप्टर का कोई भी टेक्निकल ज्ञान नहीं मिलेगा, कोई साधारण आदमी कैसे सोचेगा? जो आप सोचे वही सही है, साधारण ज्ञान, जनरल कैलकुलेशन। कोई भी ये सोचेगा कि सर एडिशनल अमाउंट कितना दिए हैं, हाँ 60 दिए, कितना साल का, तो एक साल का क्या हुआ, 15 रुपीज पर ईयर। सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का परसेंटेज जो भी बताते हो, पर एनम बताते हो, तो आंसर होगा 15% हो गया, बट ये गलत है, ये साधारण ज्ञान है। अगर इतना ही होता तो ये चैप्टर नहीं बनाते हम, इतना ही अगर करना होता तो ये चैप्टर नहीं बनता। ये चैप्टर एक कॉन्सेप्ट लेके आया है कि सिंस मल्टीपल इयर्स इन्वॉल्व है तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से आपको जाना पड़ेगा, और टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट में अगर हम जाते हैं तो वी विल हैव टू यूज द इक्वेशन ऑफ फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू। दिस इज रिक्वायर्ड हियर, नॉट साधारण ज्ञान। नाउ व्हाई टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज एप्लीकेबल, व्हाई, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स मोर देन अ ईयर्स टाइम। तो फॉर परफेक्ट डिसीजन वी शुड कंसिडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इट इन्वॉल्व मोर देन अ ईयर्स टाइम। एंड फाइनेंस में एक साल से ज्यादा का कोई भी डिसीजन हो, कोई भी कैलकुलेशन हो, तो टाइम वैल्यू का इफेक्ट लेना ही लेना है। ओके, सो अकॉर्डिंगली आप एक इक्वेशन तैयार कर सकते हैं, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1+r^n। What is the future value and at after what years you are paying this 160? 160 दे रहे हैं 4 years के बाद, तो 160 future value है। Present में कितना लिया था, 100, और R तो नहीं मालूम, N is 4, और मैंने आपको यही समझाया था cost of capital मतलब R। ये equation में R निकाल लिया, cost of capital आ गया। ऐसी general knowledge answer तो ये 15 से कम होगा कि ज्यादा होगा, कम होगा, क्योंकि कंपाउंडिंग करोगे ना तो ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज इकट्ठा होगा, तो आंसर 15 से कम होना चाहिए। ठीक है, जब आप कंपाउंडिंग इफेक्ट नहीं ले रहे हैं तो 15% आ रहा है, कंपाउंडिंग इफेक्ट लेने से कम परसेंट होने से भी अमाउंट ज्यादा हो जाएगा ना, परसेंट का फिगर कम रहेगा तो भी तो अमाउंट ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करना तो आपको सिखाया हुआ है यार, कैसे सॉल्व करोगे, 1+r^4 इज इक्वल टू 1.6, बोलिए आंसर क्या करोगे। कैसे करोगे इसको, 2 बार रूट करिए, 2 बार रूट,
वन पॉइंट पूरा 4 डेसिमल तक, 1246। तो आर का वैल्यू आ रहा है 0.1246। सो देयर फोर योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 12.46% पर एनम हो गया सम। बोलिए कोई तकलीफ? ठीक है, तो समझ में आया आपको साधारण ज्ञान और टाइम वैल्यू का ज्ञान। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब भी निकालोगे वो आर पता करोगे जो टाइम वैल्यू इक्वेशन में यूज होता है। अंडरस्टूड? अब इसी के कुछ वेरिएशन है जो आपको सीखने, प्रैक्टिस करने मेरे साथ, यही इक्वेशन को सॉल्व करने के वेरिएशन। जैसे एग्जाम्पल 3 में चले आइए। एग्जाम्पल 3, ईयर 0, 100 रुपया लिया। ईयर 7 में जाके 180 रुपीज दिया। ठीक है, पूरा 7 साल तक कोई पेमेंट नहीं हुआ, एक साथ 180 दे दिया। ओके, सो इससे कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको बताना है, परसेंट में बताना है। साधारण ज्ञान क्या बोलता है? 80 जो दिया वो कितना साल में दिया? अमाउंट पेड इज एक्स्ट्रा 80 रुपीज इन 7 ईयर्स, तो एक साल का। करिए, एक्टिव हो जाइए। 80/7 11.429, सो परसेंटेज ऑफ अमाउंट पेड 11.429/100 इज इक्वल टू 11.429% हो गया। बहुत आसान था। बट टाइम वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? टाइम वैल्यू कॉन्सेप्ट बोलता है आप इक्वेशन बनाओगे कि फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 + r^n, 180 इज इक्वल टू 100 इनटू 1 + r^7, सो 1 + r^7 इज इक्वल टू 180/100, 1.8। इसको करने के दो रास्ते हैं। कैसे? इंटरपोलेशन से कर सकते हो और कैलकुलेटर से भी कर सकते हो। इसको सॉल्व करने का दो रास्ता है, एक इंटरपोलेशन और दूसरा सिंपल कैलकुलेटर। सर एग्जाम में क्या करें? इंटर लेवल पे इंटरपोलेशन ज्यादा मार्क्स स्कोर करके देता है, तो अभी हम इंटरपोलेशन वापस से सीखना चाह रहे हैं। 1 + r^7 अगर हम इंटरपोलेशन से चल रहे हैं इज इक्वल टू 1.8 बनाना है। तो मैंने इंटरपोलेशन सिखाया था आपको पिछले चैप्टर में, वापस दोहरा रहा हूँ। इंटरपोलेशन बोलता है r का कोई भी वैल्यू लेके देखो, एक हाई वैल्यू और एक लो वैल्यू। ओके, अब r का वैल्यू क्या लें? रैंडमली नहीं लेकर हमारा कैलकुलेशन हमेशा ऐसा रहेगा। ध्यान देना सर, ये साधारण ज्ञान वाला क्यों सिखा रहे थे? क्योंकि इससे रफ आइडिया लग जाता है, आंसर 11 के आसपास है। तो यूजुअली टाइम वैल्यू का इफेक्ट के कारण आंसर कम होगा कि ज्यादा होगा? अभी तो ऊपर में समझाया था मैंने, कम आया था ना आंसर, क्योंकि 7 साल है तो और कम आना चाहिए। तो 11 से कम है, मतलब आपको ट्रायल लेना है, जो अपना मन से ऊटपटांग वैल्यू नहीं लेकर एक आइडिया लगा लीजिए, रेंज 11 से कम ही आने वाला है। ठीक है, तो अब 11 से कितना कम आने वाला है, दैट वी वांट टू चेक एग्जैक्टली। तो आप एक रैंडम लो ना 5%,
आर का वैल्यू एक बार 5% लो और उसको यहाँ पे बैठा के देखो 1.8 से ज्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है। हमें ऐसा चाहिए कि एक बार हाई मिल जाए, एक बार लो मिल जाए, रिक्वायर्ड से हाई और रिक्वायर्ड से लो। खुद से करोगे तो मजा आएगा। 1.05 to the power 7 इंटू इक्वल टू 2 होगा, फिर 3, 4, 5, 6, 7 ठीक है, छोटा है चलेगा, कोई बात नहीं। अब आर का वैल्यू 10% कर देते हैं, 1.1 के पार में 7 करो, 1.1 इंटू इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6, 7 हाँ जी 1.95 आ रहा है, 948 बस ठीक है, हमारा काम हो गया। इंटरपोलेशन बोलता है एक बार हायर एक बार लोअर, दो दो निकाल दीजिए। तो आंसर ये श्योर हुआ ना 5 से 10 के बीच में। आपको फिर मैंने क्या बोला था, ये स्टेप वन था इंटरपोलेशन का, जिसमें आप एक हायर वैल्यू और लोअर वैल्यू उठाते हैं, हायर एंड लोअर का गेस करते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टेप टू में मैंने बोला था एक ड्राइंग बना लेंगे, याद आ रहा है। एंड ड्राइंग कैसा होगा कि अगर 5% है तो आंसर आ रहा है 1.4, 10% है तो आंसर आ रहा है 1.948 और हमें चाहिए कितना 1.8, तो उस पे आंसर जो होगा ये पता चला ना कि 5 से 10 के बीच में, 5 से जब 10 जा रहे हो तो वैल्यू बढ़ जा रहा है, 5 पे काम हो नहीं रहा, हमें जो चाहिए वो 1.8 चाहिए, दिस इज आर रिक्वायर्ड। क्वेश्चन तो यही बोल रहा है 1 plus r to the power 7 is equal to 1.8, तो आंसर इन दोनों के बीच में है। स्टेप थ्री में हम लोग फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड कैलकुलेशन करते हैं। से अगर फॉरवर्ड कैलकुलेशन किया तो कहां से कहां तक जाते हैं याद है, तो 5 से ऊपर की तरफ जाएंगे, देखेंगे कि हमारा 1.8 कैच कैसे हो। फॉरवर्ड कैलकुलेशन से हम लोग बोलते हैं पहले आप हाई लो का डिफरेंस लीजिए, तो आपको फैक्टर हाई वर्सेस लो करना है। तो हाई और लो का डिफरेंस कितना हुआ, 1.948 माइनस 1.4 इज 0.548, ये हाई वर्सेस लो का डिफरेंस है। तो डिफरेंस इन रेट कितना हुआ, 5 और 10 का डिफरेंस लीजिए हाई लो में, आंसर इज 10 minus 5 is 5%। अब आप अपना डिजायर तक जाइए, डिजायर तक जाइए मतलब 1.4 से 1.8 तक जाइए, तो 1.8 माइनस 1.4 इज इक्वल टू 0.4। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, यूनिटरी मेथड लगाइए कि जब यहां से यहां पहुंच गए, सोचने का तरीका क्या है, जब 5 से 10 पहुंच गए तो 1.4 से 1.948 पहुंच गए, बट अभी जाना कहां है 1.4 से 1.8 तक, तो यहां से यहां तक के लिए ये कितना होगा, ऐसे सोच रहे हैं, ठीक है। सो 5 डिवाइडेड बाय 0.548 इनटू 0.4, व्हाट इज द आंसर, 3.65, ओके। सो अकॉर्डिंगली द आंसर शुड बी रिक्वायर्ड आर इज 5 में काम नहीं हुआ, 5 से कितना एक्स्ट्रा गए, डिफरेंस और कितना लिए, 3.65, तो प्लस 3.65 आंसर इज 8.65%, ठीक है। बैकवर्ड से करके देखो यही आंसर आना चाहिए ना, बैकवर्ड कैलकुलेशन करो तो डिफरेंस इन फैक्टर, पहला वाला कैलकुलेशन हाई लो को लेके ही है, तो फर्स्ट लाइन सेम ही है, 1.948 माइनस 1.4 इज इक्वल टू 0.548 इज 5%, 10 minus 5 is 5%, वो सेम है। बट अब बैकवर्ड का सोचो, ये रहा यहां से यहां तक का सोचो, सोचो यहां से पीछे जा रहे, 1.948 से वी आर गोइंग टू 1.4, तब डिफरेंस देख लिया हाई वर्सेस लो का कि वहां से 5 जाना होगा, बट एक्चुअली जरूरत है 10 से यहां आने का, इसको बैकवर्ड बोलते हैं, इसको फॉरवर्ड बोलते हैं। अब 10 से यहां आना है तो माइनस करना पड़ेगा, बट कहां से कहां तक का फैक्टर का डिफरेंस क्या है, 1.948 से 1.8 तक आना है, तो 1.948 से 1.8 तक का डिफरेंस है 0.148 एंड इट विल कम 5 by 0.548 into 0.148, व्हाट इज इट, 1.35%। सो रिक्वायर्ड आर क्या होगा दोस्तों, 10% से पीछे आ रहे हैं, माइनस 1.35%, सो आंसर इज 8.65%। सो देखो बेसिक आइडिया लगा ही था ना कि 11 से कम होगा, अब 11 निकाल लिया अगर साधारण ज्ञान से या कैलकुलेटर में देख लिया कि 11 है, तो
आप बेझिझक गैस कर सके, नहीं तो झूठ मूठ का 30 लो, 40 लो, 20 लो, 10 लो, 5 लो, 8 लो, बड़ा परेशानी होता। ठीक है, मतलब साधारण ज्ञान को कभी भी ओमिट नहीं किया जा सकता, वो आपके साथ हमेशा रहना चाहिए। ओके, सो इससे क्रॉस चेक करना हो तो करने का तरीका क्या है कि आप इक्वेशन में 1 + r के जगह 8.65 बैठाइए, यानी 0.0865 बैठाइए, और पार में 7 लेके चेक करिए तो 1.8 आ रहा है क्या? 1.0865 करिए इंटू इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6, 7। एग्जैक्ट तो नहीं मिलेगा, एग्जैक्ट कहाँ से मिलेगा? इंटरपोलेशन एग्जैक्ट नहीं देता आंसर। 1.786 मतलब जो भी आ रहा है वो नियरेस्ट आ रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहना चाहिए, हम लोग बोलते हैं 0.05 तक का डिफरेंस। ठीक है, सो ये तो था भैया तरीका, अगर इंटरपोलेशन से करें एग्जाम में इसी का मार्क्स देगा। अगर ये इतना सा क्वेश्चन 6 मार्क का गया तो इंटरपोलेशन से करना है। एक दूसरा तरीका है सिंपल कैलकुलेटर वाला, और सिंपल कैलकुलेटर के लिए आपको सिखाया गया था निंजा ट्रिक 786। सिंपल कैलकुलेटर निंजा ट्रिक नंबर 786, याद है ये ट्रिक? 1 + r^7 इज इक्वल टू 1.8, सो 1 + r इज इक्वल टू 1.8^1/7। नाउ टू द पावर 1/7 डजंट मीन दैट यू विल डू 7 टाइम्स रूट। 7 टाइम रूट करने से टू द पावर क्या चला जाएगा? 14 नहीं जाएगा? ना ना ना, क्या बोल रहे हैं आप? 7 टाइम्स करने से 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 उतना बार पावर में जा रहा है, 2^7 का पावर हो जाता है वो। सो इसको करने का तरीका आपको सिखाया था कैलकुलेटर में, स्टेप्स में। सबसे पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1, 1.8^1/7 है ना, तो आपको इंश्योर करना पड़ता है कि कुछ भी नंबर जो लेने जा रहे हो उसका पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पावर शुड बी पॉजिटिव। द नंबर विच यू आर टेकिंग इन द कैलकुलेशन शुड हैव अ पॉजिटिव पावर। मतलब अगर पावर में 1.8 के 1 - 1/7 होता तो क्या करते, इसका नंबर को चेंज कर देते, 1/1.8 करके पावर में 1/7 लेते। पावर को पॉजिटिव रखना जरूरी है, तभी सम सॉल्व होता है। सो पावर को पॉजिटिव अभी तो देख ही पा रहे 1/7। अभी आप अपना बेस नंबर ले लीजिए, बेस नंबर शुड इंश्योर दैट पावर शुड बी पॉजिटिव, इंश्योरिंग पावर इज पॉजिटिव। सो 1.8 ले लिया। फिर सेकेंड स्टेप क्या है, इसका स्क्वायर रूट करिए 12 टाइम्स, स्क्वायर रूट 12 टाइम्स, 12 टाइम्स स्क्वायर रूट बटन दबाइए, 1.8 का 12 बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, मतलब 2^12 हो गया, आप ऐसा सोचो। एनीवेज आंसर आ रहा है 1.00013, 1.00 3×0, 1435 ऐसा कुछ आ रहा है ना। फिर -1, इसमें से -1 करिए, फोर्थ मल्टीप्लाइड बाई पावर, मल्टीप्लाई बाई पावर, पावर में क्या था 1/7 था, यानी जो रिजल्ट आया उसको इंटू 1/7। अब इंटू 1/7 करो या जस्ट डिवाइड बाई 7 करो, बात तो एक ही है, बट ध्यान रखना जैसे इंटू 2/7 हो सकता था ना, तो इंटू 2/7 करना पड़ेगा, अभी डिवाइड बाई 7 करने से भी हो जाएगा। और फिर वापस लाइए, रिटर्न द कैलकुलेशन, दैट इज प्रेस प्लस 1, जो रिजल्ट आया उसमें प्लस 1 इक्वल टू, और सिक्स्थ नंबर अब इसका स्क्वायर करिए 12 टाइम्स, स्क्वायर करिए 12 टाइम्स, स्क्वायर रूट नहीं, स्क्वायर करिए। स्क्वायर करने का तरीका क्या है, इनटू और इक्वल टू बटन दबाइए 12 टाइम्स, इनटू इक्वल टू 1, फिर इनटू इक्वल टू 2, फिर इनटू इक्वल टू 3, इनटू इक्वल टू 4, इनटू इक्वल टू 5, इनटू इक्वल टू 6, इनटू इक्वल टू 7, इनटू इक्वल टू 8, इनटू इक्वल टू 9, इनटू इक्वल टू 10, इनटू इक्वल टू 11, इनटू इक्वल टू 12। So the result is coming as 1.0876। इसको याद रखने का जो निमोनिक्स आपको सिखाया था वो क्या था, कि कोई भी आके हमें गंदा पावर दिखाएगा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो भाई पहले तो उसका पावर हटाया,
उस नंबर को उठाया, 12 बार रूट कर करके इतना छोटा कर दिया कि वो 1 में चला आया। कई बार तो नंबर 1 से भी छोटा हो जाता है। फिर उसका 1 भी निकाल लिया, उसका 1 जो था वो भी निकाल लिया, -1। फिर बोला ला दिखा तेरा कौन सा डर्टी पावर है। वो पावर से उसको मल्टीप्लाई किया, उसके बाद उसको डांट लगाया, आज के बाद कभी पावर दिखाएगा? बोला नहीं, कभी नहीं दिखाएगा। तो उसे बोला चल वापस अपना 1 ले, +1, और आजा जैसे गया था वैसे ही, स्क्वायर रूट किया था तो अब स्क्वायर करते करते वापस ले आया, ध्यान रहेगा। ओके, सो नाउ यू कैन पुट दिस इन योर इक्वेशन विच इज 1 + r^7 इज नाउ, सॉरी 1 + r इज नाउ 1.0876। ठीक है, इक्वेशन कैसा चेंज हो गया था ना, 1 + r में आप ये वाला राइट साइड वाला वैल्यू भी निकाले हो, तो 1 + r इज 1.0876, सो r इज इक्वल टू 0.0876, दैट इज 8.76%। यू कैन क्रॉस चेक ऑफ कोर्स, इससे आप देख सकते हैं आंसर है वो 8.65 के आसपास आया। इनफैक्ट कैलकुलेटर में किया हुआ ज्यादा एक्यूरेट होता है इंटरपोलेशन से, बिकॉज कैलकुलेटर बहुत सारा डेसिमल लेके चल रहा है, इंटरपोलेशन में तो अपने दो दो डेसिमल तक लेके चल रहे थे। आप इससे चेक करिए, 1.0876 को 7 बार ले जाइए, इनटू इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, मैजिक एग्जैक्ट आया, एग्जैक्ट 1.80 अभी एग्जैक्ट आ गया। चलो तो सीख गए आप कैलकुलेशन, जरूरत के हिसाब से सब में यूज होगा। अभी हम लोग फंडामेंटल तैयार कर रहे हैं, फंडामेंटल एग्जांपल नंबर 4, थोड़ा सा भी इसको ट्विस्ट किया जाए। से ईयर 0 में वी हैव बोरोड 100 रुपीज, नो रीपेमेंट कैसे हुआ कि ईयर 1 में जाके उसको थोड़ा सा अमाउंट इंटरेस्ट बोल के दे दिए, कितना दिए 15 रुपया। ईयर 2 में फिर इंटरेस्ट दे दिए, कितना दिए 15 रुपया। ईयर 3 में फिर इंटरेस्ट दे दिए, कितना दिए 15 रुपया। ईयर 4 में सब चुका दिए, पूरा रीपेड, लेकिन खुशी से 110 दिया है, खुशी से 110 दिया है भाई। अब जब ऐसा दे दिए तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा? साधारण ज्ञान, बिना टाइम वैल्यू के अगर हिसाब करोगे तो कितना आपने बियर किया, कैसे पकड़ोगे, कैसे पकड़ोगे बोलो, हाँ कितना हुआ एक्स्ट्रा, एडिशनल अमाउंट कितना दिया, पेड इन कितना इयर्स, 4 years, 4 years में एक्स्ट्रा क्या दे दिया भाई, 15 × 3 = 45 + 10 = 55 दिया, तो पर ईयर कितना आया, 55 / 4 = 13.75, सो इसका परसेंट बना दो, 13.75 / 100 रुपीज के बदले दिया तो 13.75%। बट ये सही नहीं है, क्यों 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 क्यों, अरे सही क्यों नहीं है, क्योंकि टाइम वैल्यू का इफेक्ट नहीं, ठीक है, टाइम वैल्यू इफेक्ट से कैलकुलेशन में चेंजेस आएगा। सो विथ टाइम वैल्यू अगर आप चलते हो तो पहला चीज देखना कहां पे चेंज आएगा, इक्वेशन पहले बनाना पड़ेगा। इक्वेशन इज फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 + r^n। बट यहाँ पे ऐसा इक्वेशन काम नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है, आप ध्यान से देखना, ईयर 0 में 100 लिए, या मान लीजिए ये पॉजिटिव है बिकॉज ये लिया,
ईयर वन में 15 दिया, ईयर टू में 15 दिया, ईयर थ्री में 15 दिया और ईयर फोर में जाके 110 दिया। सो इसको इक्वेशन में रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? जब आप ये फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आर टू दी पावर एन करते हैं, इसका मतलब फ्यूचर में एक वैल्यू है जो प्रेजेंट से डिराइव हो रहा है, ठीक है? फ्यूचर में एक वैल्यू है जो प्रेजेंट से डिराइव हो रहा है, बट एक्चुअली इसका इवैल्यूएशन करने का तरीका है कि यू शुड ऑलवेज फॉलो प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट, नॉट फ्यूचर वैल्यू कॉन्सेप्ट। कोई भी डिसीजन प्रेजेंट पे लिया जाता है, कोई भी कैलकुलेशन प्रेजेंट पे किया जाता है, फ्यूचर पे जाके कैलकुलेशन करने से उसका रियलिटी नहीं रहता, बिकॉज फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टेन। कैलकुलेशन शुड ऑलवेज बी ब्रॉट टू प्रेजेंट लेवल। और लिखने का तरीका क्या होगा, ध्यान देना, इसको यहां पे लाओ, इसको भी यहां पे लाओ, इसको भी यहां पे लाओ और इसको भी यहां पे लाओ और सबको इकट्ठा करके समझो 100 हो गया है। इक्वेशन कैसा, जब इक्वेशन बना रहे हो तो 100 इज इक्वल टू, 100 क्या प्रेजेंट वैल्यू है, तो फ्यूचर वैल्यू 15 है इनटू, अभी कंपाउंड नहीं करना होगा, डिस्काउंट करना होगा, 1 प्लस आर है एक बार, फिर दूसरी बार 15 इंटू 1 बाई 1 प्लस आर टू दी पावर एन प्लस 15 इंटू 1 बाई 1 एन, मतलब बेसिकली 2 है यहाँ पे, ये ईयर 1 का था, ईयर 2 है, ये ईयर 3 है, ये ईयर 4 है, फिर 15 इंटू 1 बाई 1 प्लस आर टू दी पावर 3, फिर 15 इंटू 1 बाई 1 प्लस आर टू दी पावर 4। ठीक है, अच्छा ईयर फोर में 15 नहीं है, 110 है, ईयर फोर में 110 है। इक्वेशन बनाना आना चाहिए था, यहां पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं इक्वेशन कैसे बनेगा, कि फ्यूचर वैल्यू में जाना है कि प्रेजेंट वैल्यू में आना है, द आइडिया इज प्रेजेंट वैल्यू पे आना। फ्यूचर वैल्यू का इक्वेशन कैसा होता है मैं आपको दिखाता हूँ, जरूरत नहीं है, वो बहुत गंदा इक्वेशन है। जैसे 100 को उधर ले जाओ क्या होगा, 1 प्लस आर टू दी पावर 4, 100 को उधर लेगा, ये वाला 100 को लास्ट में लेगा, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 15 को तीन बार ले जाओगे, 1 2 3, दूसरा वाला 15 को दो बार ले जाओगे, तीसरा वाला 15 को एक बार ले जाओगे और लास्ट वाला 110 ही रहेगा क्योंकि वो तो अपने ईयर पे ही है। तो ये भी एक इक्वेशन है, इससे भी आर सॉल्व हो सकता है, बट दिस इज नॉट द बेस्ट प्रैक्टिस। इससे क्या हो रहा है कि आप आज का डिसीजन आज पे नहीं ले रहे, आप आज का फैसला भविष्य में जाके ले रहे हैं और भविष्य इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटी। वी ऑलवेज फॉलो प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट, दैट्स व्हाई वी ब्रिंग फ्यूचर टू प्रेजेंट, इट्स नॉट दैट वी टेक प्रेजेंट टू फ्यूचर, क्योंकि प्रेजेंट इज इन आवर अंडरस्टैंडिंग, प्रेजेंट हम समझते हैं, फ्यूचर में तो खाली अनुमान ही लगा सकते हैं, इसलिए ये रिकमेंडेड प्रेजेंटेशन नहीं है, बट स्टिल इक्वेशन ऐसे बन सकता है, नॉट रिकमेंडेड। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं, जब आपको मल्टीपल कैश फ्लोज मिलता है ना, मल्टीपल कैश फ्लोज जब मिले हैं, तो जो इक्वेशन आप यूज करते हो कि फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर टू दी पावर एन, मल्टीपल कैश फ्लो होने से हम लोग अगर प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट में जा रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट में पहले तो इक्वेशन को प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 बाई 1 प्लस आर टू दी पावर एन बोलो, पहला चेंज।
और दूसरा चीज कि प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू जब बहुत सारा फ्यूचर वैल्यूज हो, मल्टीपल कैश फ्लोज हो, तो समेशन फ्यूचर वैल्यू इंटू 1/1 r^n करोगे, ये इक्वेशन है विथ मल्टीपल फ्यूचर वैल्यूज। ये इक्वेशन है, आप देखिए आपने ऊपर में जो इक्वेशन बनाया वो यही वाला था, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू जितना फ्यूचर वैल्यू है उसको डिस्काउंट करते गए और उसका समेशन ले लिए, सम ले लिए। ये देखिए अगर आप इसको लिखना समझ पा रहे हो तो, समेशन दिया मतलब सर ने जितना था सबको लेके जोड़ लिया, प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट विथ मल्टीपल फ्यूचर वैल्यूज। ओके ये ज्यादा यूज होता है इसलिए ये क्वेश्चन दे रहा हूं, जो नॉट रिकमेंडेड है वो वाला लिख के मतलब क्या है, अगर उसको देखना चाहते हो नॉट रिकमेंडेड वाला में फ्यूचर वैल्यू कॉन्सेप्ट पे जाना चाहते हो विथ मल्टीपल फ्यूचर वैल्यूज, ये जरूरत नहीं है बट फिर भी दिखा रहे हैं। मल्टीपल आप सोचिए प्रेजेंट वैल्यूज होगा उस समय, मल्टीपल प्रेजेंट वैल्यूज होगा तो इक्वेशन बोलता है फ्यूचर वैल्यूज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1/r^n, तो उस समय अपने बोलेंगे फ्यूचर वैल्यूज इक्वल टू समेशन प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1/r^n, ये क्वेश्चन आएगा। हालांकि ये यूज नहीं करते हम लोग हमारे पढ़ाई में, हम लोग पढ़ाई में प्रेजेंट पे ज्यादा रहना पसंद करते हैं। तो आपको जो ऊपर में दिखाया मैंने ये वाला देखो, ये वाला सारे फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू सारे प्रेजेंट वैल्यू का कंपाउंडिंग फैक्टर, ठीक है। तो चैलेंजेस दोस्तों इस इक्वेशन को सॉल्व करना, ये देखिए बहुत खतरनाक सा इक्वेशन आ गया है, 100 × 15 का डिस्काउंटिंग फैक्टर, फिर 15 का दोबारा डिस्काउंटिंग फैक्टर, फिर 15 का तिबारा डिस्काउंटिंग फैक्टर, फिर 110 का डिस्काउंटिंग फैक्टर, तो ये आर का वैल्यू क्या होगा? साधारण ज्ञान क्या बोल रहा है आंसर? 13.75। तो ये तो पता चला 13.75 के आसपास है आंसर, इनफैक्ट कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा, क्यों? ऐसे एक्चुअली क्या हो रहा है, देखिए इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, आप पुराने एग्जाम्पल में देख लिया कम होगा कम होगा, तो इसमें भी आप कम बोल देते हैं, ठीक है। बट द थिंग इज यहां पर ये ट्विस्ट है कि 15 15 15 और फिर 110, तो आपने अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, आपने शुरुआती दिनों में इससे ज्यादा दिया है, लास्ट में कम दिया है, तो ऐसे सिनेरियो में कई बार होता है कि ज्यादा भी आ जाए, डिपेंड करता है कि अमाउंट ऑफ प्रीमियम कितना है, ठीक है। सो इसमें हम लोग ऐसा बोलना शुरू करेंगे अब से कि आंसर इसके आसपास है, हो सकता है इससे नीचे हो सकता है इससे ऊपर हो, क्योंकि पहले देखो ना 13.75 से ज्यादा दिया, फिर बाद में तो 110 बहुत कम दिया, तो मिसमैच आ गया, मतलब 110 मतलब मैं बोल रहा हूँ 10 रुपया, वो बहुत कम दिया, प्रीमियम का 10 ही रुपया दिया लास्ट में और शुरुआत में ज्यादा देते गए, तो मिसमैच होने से, छोटा बड़ा होने से वी आर नॉट श्योर कि इससे कम होगा कि ज्यादा होगा। तो आइडियली हम लोग क्या करेंगे, ट्रायल लेंगे किस तरीके का कि एक बार कम लेके देखो और एक बार ज्यादा लेके देखो, ठीक है। अच्छा, इस इक्वेशन को सॉल्व करने का सिंपल कैलकुलेटर में कोई चारा नहीं है, इसका सिर्फ एकमात्र तरीका इंटरपोलेशन, यू कैन नॉट डू दिस इन सिंपल कैलकुलेटर। ओके, सो इफ यू आर अप्लाइंग इंटरपोलेशन व्हाट आर द स्टेप्स, पहले आपको चाहिए ना एक हायर वाला एक लोअर वाला, अब हायर वाला कहाँ होगा लोअर वाला कहाँ होगा उसके लिए गैस मारना होगा, और गैस मारने के लिए साधारण रेट्स का इस्तेमाल करिए। पहले तो श्योर हो रहे थे कि जो आंसर आया था उससे कम है, बट अभी श्योर नहीं है कि कम है कि ज्यादा है, तो एक बार एक को लेके देखो कम पे, फिर डिसीजन लेना कि बढ़ाना है कि घटाना है। कैसे आपको दिखाते हैं, दिस टाइप ऑफ इक्वेशन कैन ओनली बी सॉल्व यूजिंग इंटरपोलेशन।
कैन ओनली बी सॉल्व यूजिंग इंटरपोलेशन। दिस टाइप ऑफ इक्वेशन कैन बी सॉल्व ओनली यूजिंग इंटरपोलेशन। ओके, सो इंटरपोलेशन बोलता है पहले आप हायर और लोअर का गेस करो, गेस फॉर हायर और लोअर, हायर एंड लोअर रेट। अब हायर और लोअर को अपन गेस करने के लिए आंसर अंदाज लगा रखे 13.75, ये था ना। तो एक बार 10 मानते, देखते हैं क्या होता है। अगर r का वैल्यू 10 मानते, देखो रुको अभी बहुत समस्या है यहाँ पे, r का वैल्यू 10 मानते तो उसका कैलकुलेशन ऐसे यहाँ पे नहीं करेंगे, ऐसा कैलकुलेशन को एक टेबल में सजाना पड़ेगा। r का वैल्यू जब 10 मानते हैं तो एक टेबल बनाएंगे हम लोग, वो टेबल होगा ईयर, जो कैश फ्लो था आपका वो, और r का वैल्यू 10% लेकर इसको डिस्काउंटिंग फैक्टर लेकर प्रेजेंट वैल्यू लेना पड़ेगा। मतलब आप उसी चीज को जो हॉरिजॉन्टली लिखे थे अभी वर्टिकली विजुअलाइज करिए। ईयर में 1, 2, 3, 4, 5 आप RHS को सॉल्व करें, जहां पे R इन्वॉल्व था उसको सॉल्व करें। R कहाँ पे इन्वॉल्व था? राइट साइड में, तो इसको सॉल्व करें। और आपको इस तरह का R चाहिए जिससे आंसर 100 आ जाए, इस तरह का R चाहिए जिससे आंसर 100 आ जाए। तो हम ईयर वन का कैश फ्लो ले रहे हैं, बोलिए ऐसे ही आप भी करिए। 15, 15, 15 कितना बार? चार ही बार है ना, तो चौथी बार में 110, यही था ना। अब डिस्काउंटिंग फैक्टर लीजिए 10% के हिसाब से, कैसे करेंगे? हाँ जी, 1 divided by 1.1 = 0.909 आ रहा है। देखो डिस्काउंटिंग फैक्टर कैसे आता है, 1/1 + r^n, ये उसका इक्वेशन है। सो 0.909 फिर 0.826 आ रहा है क्या? दूसरा ईयर में, तीसरा ईयर में 751, चौथा में 683, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू लीजिए, एम प्लस में लीजिएगा 15 × 0.909, अलग अलग लिखने का जरूरत नहीं है, 15 × 0.826 एम प्लस, 15 × 0.751 एम प्लस, 110 × 0.683 एम प्लस, एम आर सी देखिए कितना आ रहा है, 112.42 मिल रहा है। ठीक है, आ रहा है क्या? आपको एक निंजा ट्रिक 912 सिखाया गया था, प्रैक्टिस करते उससे भी। निंजा ट्रिक 912 में आइए, कैलकुलेटर में चलिए। कैसे सिखाया गया था वो एक बार याद दिला देते हैं। 15 मतलब डायरेक्ट ये निकाला जा सकता है, इतना लिखने का नहीं हो, कभी एग्जाम में समय कम हो तो डायरेक्ट निकाला जा सकता है। 15 divided by 1.1, 10% है ना, तो 1.1 करा = m+, ठीक है। फिर दूसरा वाला 15 दो बार इक्वल टू, क्योंकि सेकेंड ईयर में एम प्लस। तीसरा वाला 15 तीन बार इक्वल टू, 1, 2, 3 एम प्लस। फिर चौथा वाला 110 चार बार इक्वल टू, 1, 2, 3, 4 एम प्लस, एम आर सी आ गया। तो समय बचाने के लिए आपको कुछ भी करना पड़ सकता है, बट आपको देखो चाहिए क्या, आपका डिजायर्ड है आर ऐसा मिल जाए जिससे 100 आ जाए। अभी कितना आया, 112, तो हाई मिल गया, हाई हो गया, ठीक है। अब लो वाला चाहिए, अब लो वाला के लिए आर का वैल्यू ज्यादा करें कि कम करें, कैसे पता चला?
तुक्का मारा तो तुक्का ही मार दिया। आर का वैल्यू कम करने से बढ़ेगा, हमें 112 चाहिए ना, समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी एक ऐसा चाहिए जिससे 100 से कम आए, ये 100 से ज्यादा हो गया तो हाई वाला हो गया। अब एक ऐसा चाहिए जिससे 100 से कम आए, तो आर का वैल्यू ज्यादा करूँ कि कम करूँ, ये कम करना है, तो आर का वैल्यू बढ़ाऊँ कि घटाऊँ, क्यों? आर का परसेंट बढ़ेगा, बढ़ेगा तो ये घटेगा, डिस्काउंटिंग फैक्टर, बोलो क्यों? क्योंकि आर डिवाइड में है, और बड़ा नंबर से डिवाइड होगा तो आंसर छोटा आएगा ना। मैथ्स का लॉजिक क्या बोल रहा है, आर डिवाइड में है, तो डिवाइड में होने के कारण बड़ा वैल्यू से डिवाइड होने से छोटा आंसर आता है, यही लॉजिक है, ठीक है? तो बढ़ाए तो कितना बढ़ाए, क्या करे, 10 का 100 कर दें? नहीं, इतना गैप रखोगे ना तो आंसर तो आ जाएगा, बट बहुत एरर होगा, कैलकुलेशन अप्रोक्सीमेटेड आएगा, हम नियरेस्ट आंसर खोजना चाहते हैं। तो जनरली गैप 5-5% का लेते हैं, इन वर्स्ट केस 10% का लेते हैं, ध्यान रहेगा। अभी तो आपको अंदाज लगा हुआ है ना आंसर कितना था, 13.75, तो 15 से ज्यादा तो होने का सवाल ही नहीं है, अंदाज लगा हुआ है। उससे नीचे के तरफ में आप देखिए ना, डिफरेंस को समझिए, 112 और आपको जाना है 100 तक, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है? इसलिए 5% का गैप लेके ट्राई करो, सेम कैलकुलेशन 15 से करो। देखो डिस्काउंटिंग फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, 1 डिवाइडेड बाय 1.15, 0.869 इक्वल टू करते जाओ, 0.756, फिर 0.657, 0.571, 1 आगे बढ़े। अब इसका वही 15 से मल्टीप्लाई करके एम प्लस में लेते जाइए, 15 × 0.869 एम प्लस, 15 × 0.756 एम प्लस, 15 × 0.657 एम प्लस, 110 × 0.571 एम प्लस, MRC आ रहा है 97.04। वो ठीक है, थोड़ा बहुत राउंडिंग ऑफ करो, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको निंजा ट्रिक 912 से करके देखो, कैसे करोगे, आ जाओ। पहला वाला 15 डिवाइडेड बाय 1.15 इक्वल टू एम प्लस, क्या इक्वल टू एम प्लस, फिर दूसरा वाला 15 दो बार इक्वल टू एम प्लस, तीसरा वाला 15 के लिए 3 बार इक्वल टू एम प्लस, फिर 110 के लिए 4 बार इक्वल टू, 1, 2, 3, 4 एम प्लस, MRC 97.14, ठीक है वो चलेगा। सो देखिए ये वाला 100 से कम आ गया, बस हमारा काम हो गया, अब हमें और कहीं भटकना नहीं है, हायर लोअर का ही खाली हमें जुगाड़ चाहिए होता है। स्टेप नंबर 2 में मैं रेंज बैठाता हूँ, आर का वैल्यू जब आंसर में 10% है तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 112.42 है, जब आर का वैल्यू 15% हुआ तो आंसर हो गया 97.04। सो अगर आपको 100 चाहिए तो आर क्या होगा, दिस इज द क्वेश्चन, अगर 100 चाहिए तो आर क्या होगा, तो फॉरवर्ड कैलकुलेशन में आ जाइए, स्टेप 3 में। एग्जाम में लिखना नहीं होता कि आप फॉरवर्ड करें कि बैकवर्ड करें, आप बस कर दीजिए, ऐसा चलता है।
डिफरेंस इन क्या लेना है, हाईएस्ट एंड लोएस्ट, प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा तो डिफरेंस इन रेट क्या होगा। सो व्हाट इज डिफरेंस इन प्रेजेंट वैल्यू बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट? 112.42 माइनस 97.04, 15.255, और इधर डिफरेंस आ रहा है 15 माइनस 10 का 5। अच्छा, मेरे हिसाब से चले तो 15.38 आ रहा है। सो अभी फॉरवर्ड जा रहे तो यहां से यहां तक का सोचो, 112.42 से 100 तक जाना है, 12.42 उसके लिए कितना डिफरेंस होना चाहिए? 5 बाई 15.38 इंटू 12.42 करो, फाइव बाई 15.38 इंटू 12.42, 4.037, 04 बोल दीजिए चलेगा। सो देयर फोर रिक्वायर्ड आर इज 10% प्लस 4.04, आंसर इज 14.04। इसको क्रॉस चेक कैसे करेंगे? अगर बैकवर्ड नहीं कर रहे तो क्रॉस चेक कैसे करेंगे? बैकवर्ड से तो चेक कर ही सकते हैं, देखिए हर बार दो दो करने का तो कोई लॉजिक नहीं है, बट क्रॉस चेक करने का तरीका निंजा ट्रिक 912, और कोई तरीका नहीं है। वो क्या सिखाता है आपको? पहला वाला 15 को इससे डिस्काउंट करिए, इसका डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाई 1.1404 हो जाएगा। ये सब तो बेसिक समझना होगा। 10% का डिस्काउंटिंग फैक्टर इज 1.1, 1 बाई 1.1, 15% का डिस्काउंटिंग फैक्टर इज 1 बाई 1.15, तो 14.04% का क्या होगा? 1 बाई 1.1404। तो पहला वाला 15 को उठाओ, 15 डिवाइडेड बाई 1 बाई 1.1404 इक्वल टू एम प्लस, ठीक है। फिर दूसरा वाला 15 दो बार इक्वल टू एम प्लस, तीसरा वाला 15 तीन बार इक्वल टू एम प्लस, लास्ट वाला 110 चार बार इक्वल टू 1 2 3 4 एम प्लस। एमआरसी देखिए 99.83 मिल रहा है, विच इज एज गुड एज 100। हाँ, पूरा क्रॉस चेक करने का तरीका वही है। आप इसको लेकर यहाँ पे मान लीजिए बैठा दिया, जैसे एक बार 10% से किया, एक बार 15 से किया, वैसे ही आप 14.04% से इसको निकाल के देखो तो आंसर 100 के आसपास आ जाएगा। मतलब यहाँ पे आर का वैल्यू जब 14.04 होगा ना, तो प्रेजेंट वैल्यू विल कम एज 100, जो 112 है 97 है उसके जगह 100 आ रहा है। और ये निंजा ट्रिक क्या कर रहा है? आपको थोड़ा सा फास्ट क्रॉस चेक करवा दे रहा है, ठीक है। एक लास्ट एग्जांपल करते हैं। कितना नंबर? आज मान लीजिए 100 रुपया लिया, हर साल ईयर वन हम उन्हें 12 रुपया दे देते हैं, ईयर टू 12 रुपया, ईयर थ्री 12 रुपया, और ऐसा कब तक? जब तक गंगा नदी बहेगी तब तक देते ही जाएंगे। इनफाइनाइट आउटफ्लो है, ये आज बोरो किया और हर साल खाली आप 12 दे देते हैं, समझ में आ रहा है? मतलब इससे ये समझ में आ रहा है कि देयर इज नो रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल, ओरिजिनल अमाउंट का रीपेमेंट नहीं है। काइंड ऑफ ऐसा समझ सकते हैं कि हर साल ब्याज पकड़ा देते हैं, जब आओगे ब्याज दे देंगे, बस जिंदगी भर
क्या आपके जिंदगी के बाद भी जब तक कोई क्लेम करने आते रहेगा तब तक देते रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे सिनेरियो में इक्वेशन क्या बनेगा, भाई प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट में मल्टीपल कैश फ्लोज है, वही इक्वेशन का टेक्निकल बात करिए, प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट में मल्टीपल फ्यूचर वैल्यूज होने से इक्वेशन कैसा होगा, हाउ द इक्वेशन विल कम, कि 100 इज इक्वल टू 12 बाई 1 प्लस आर, फिर 12 बाई 1 प्लस आर स्क्वायर, फिर 12 बाई 1 प्लस आर क्यूब, ऐसा करके इन्फिनिटी तक, करेक्ट है, यही तो हो रहा है। अच्छा, इसमें साधारण ज्ञान असमर्थ है, यू कैन नॉट चेक विथ साधारण ज्ञान, साधारण ज्ञान कैन नॉट बी अप्लाइड, तो इसमें ऐसा बोलते हैं, मान लो साल का 12 ही देना है बस, तो 12% हो गया, साधारण ज्ञान बोलता है 12%, मतलब जैसे ऊपर में सिखाया था वो नहीं चल रहा है, मतलब हर साल का 12 देना तो 12% है बस, और क्या, और बाकी तो आपको कुछ देना ही नहीं, एक्स्ट्रा कुछ देना ही नहीं है, 12 12 12 12 हर साल देना है, तो साधारण ज्ञान से आंसर पता चल रहा है 12%। अब हमारे यहाँ पे 12 से ज्यादा है कि कम है वो हम इंटरपोलेशन से भी नहीं देख सकते, यहाँ पर वी कैन नॉट अप्लाई इंटरपोलेशन, क्यों, अरे भाई इंटरपोलेशन में गैस करोगे, गैस करोगे तो आर का वैल्यू कब तक लेते जाओगे भाई, आर का वैल्यू जैसे आप इंटरपोलेशन ऊपर में सीखा था ना, तो 4 बार ही तो करना पड़ा था डिस्काउंटिंग, और फिर टोटल लेके इंटरपोलेशन हुआ था, इंटरपोलेशन के लिए टोटल चाहिए, तो 4 बार करना था तो 4 बार करके टोटल ले लिया, 6 बार दीजिए 6 बार करके टोटल ले लेंगे, 8 बार करेंगे तो 8 बार करके टोटल ले लेंगे, अब इनफाइनाइट बार है तो इनफाइनाइट बार तो करते ही रह जाएंगे, टोटल आएगा ही नहीं कभी, तो इसलिए इंटरपोलेशन नहीं लगेगा। तो क्या तरीका लगेगा, यहाँ पे आपको ज्योमेट्रिक सीरीज का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का कॉन्सेप्ट, ठीक है, इज यूज्ड, और वो कैसा होगा, 100 इज इक्वल टू, आप पहले मान लीजिए 12 कॉमन है और आ गया 1 बाई 1 प्लस आर, 1 बाई 1 प्लस आर स्क्वायर, 1 बाई 1 प्लस आर क्यूब, ऐसा करके इन्फिनिटी तक, याद आ रहा है ये भी आपको सिखाया गया था टाइम वैल्यू में, लेट 1 बाई 1 प्लस आर को एक्स मान लो, तो इक्वेशन कैसा दिखेगा, 100 इज इक्वल टू 12 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक, ठीक है ना, और ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला बोलता है एस ऑफ इन्फिनिटी इज ए बाई 1 माइनस आर, वेयर ए इज फर्स्ट टर्म एंड आर इज कॉमन रेशियो, एंड हाउ डू यू गेट कॉमन रेशियो, सेकेंड बाई फर्स्ट, थर्ड बाई सेकेंड एंड सो ऑन, सो कॉमन रेशियो यू कैन सी एक्स, कॉमन रेशियो सेम है तभी ये सीरीज वैलिड है, सो अकॉर्डिंगली यू कैन से 12 इंटू ए के जगह एक्स है और आर के जगह भी यहाँ एक्स है, दिख रहा है ना, ए में फर्स्ट टर्म इज एक्स एंड आर इज कॉमन रेशियो विच इज सेकेंड बाई फर्स्ट और थर्ड बाई सेकेंड और फोर्थ बाई थर्ड विच विल कम इज एक्स ओनली, एक्स स्क्वायर बाई एक्स इज एक्स, एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर इज एक्स, एक्स का वैल्यू बैठा दीजिए 12 इंटू एक्स का वैल्यू 1 बाई 1 प्लस आर बाई 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस आर, 100 इज इक्वल टू 12 इंटू 1 बाई 1 प्लस आर, इसका एलसीएम लीजिए 1 प्लस आर माइनस 1 बाई 1 प्लस आर, 1 और 1 कैंसिल, सो 100 इज इक्वल टू 12 इंटू 1 बाई 1 प्लस आर इंटू आर बाई 1 प्लस आर ऊपर चला जाएगा बाई आर, 1 प्लस आर कैंसिल, ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में जो है ये न्यूमरेटर में आ गया, सो अल्टीमेटली व्हाट यू गॉट, 100 इज इक्वल टू 12 बाई आर, सो आर इज इक्वल टू 12 बाई 100 हो गया, तो सर साधारण ज्ञान सत्य हो गया, साधारण ज्ञान के ऊपर कोई ज्ञान नहीं है भैया,
पहले साधारण ज्ञान है, फिर टेक्निकल ज्ञान है। साधारण ज्ञान का कैलकुलेशन के बिना 12% समझ लिए थे, तो 12% ही आया घूम फिर के। सो आइडिया ऑफ दिस कैलकुलेशन इज कि यू डोंट हैव टू यूज इंटरपोलेशन व्हेन देयर इज इनफाइनाइट कैलकुलेशन। इनफाइनाइट होने से हम लोग इंटरपोलेशन यूज नहीं कर पाते। तो अब आप आगे से ये ध्यान रखना, जब एग्जाम में ये आएगा तो आपको इनफाइनाइट सीरीज दिखाना नहीं है। एग्जाम के एंगल से आप सीधा शॉर्टकट मारोगे ये वाला कि आर इज इक्वल टू 12/100। एग्जाम में एक चुटकी में आंसर निकालना है, ठीक है? आपको पूरा पूरा डेरिवेशन नहीं दिखाना है, ये तो क्लास का कॉन्सेप्ट के लिए हो रहा है, ठीक है? एग्जाम में ये याद रखना पड़ेगा आपको, तब आपका काम होगा। एक लास्ट एग्जाम्पल और याद आ गया तो साथ में करा देते हैं। सात में क्या छ, मतलब ये सीख गए तो आप चैंपियन के चैंपियन है भाई। इट इज नॉट चैंपियन, इट्स चैंपियन ऑफ चैंपियन लीग में आप चले जाओगे। ईयर जीरो में हमने 100 रुपया बोरो किया, ईयर वन में हम 15 दे के आए, ईयर टू में 18 दे के आए, ईयर थ्री में 20 दे के आए, ईयर फोर से फैसला हुआ 12 ही देंगे। कब तक? इन्फिनिटी तक। फोर से इन्फिनिटी तक 12 देंगे, मतलब फिर से सवाल वही है कि देर इज नो रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल। ये सब पेड पेड है, ठीक है? पेड 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 पेड। समझ में आ रहा है सिचुएशन? इसको कैसे डील करेंगे? तो दोनों का पंचिंग हो गया सर। जब आप यहां तक देते खाली तो हम इंटरपोलेशन से कर देते। अब आप, या फिर आप शुरू से लेके इन्फिनिटी तक देते तो हम वैसा कर लेते, या तो पंच कर दिया आप। नहीं, इसको सीखना है। पहले इक्वेशन बना के दिखाओ, इक्वेशन बनाओ। हंड्रेड इज इक्वल टू 15/1+R प्लस 18/1+R² प्लस 20/1+R³ प्लस 12/1+R⁴ 12/1+R⁵ डॉट 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 इन्फिनिटी। सर बहुत टफ लग रहा है, सर बहुत टफ लग रहा है, बहुत टफ लग रहा है सर, कैसे होगा सर? जब तक दर्द ना हो तब तक मजा नहीं है। एक लड़की को पटाने गए, देखा नहीं कि वो पट गई, तो उसके साथ जीवन भर दुख ही मनाना पड़ेगा। अरे पटाने का भी मजा तो होना चाहिए, इतना जल्दी मान गए तो मजा ही खत्म। एक हुआ ना भैया, 6 साल तक चक्कर काटा तब जाके हाँ बोली, तो लगता ना एक अचीवमेंट। हंड्रेड इज इक्वल टू 15/1+R 18/1+R² इंटरपोलेशन नहीं लग रहा है, ये श्योर है? ये 12 में 1+R⁴ को कॉमन ले लिया जाए, अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा देखना। यहां से कॉमन काटा 1+, ये तो 1 हो गया ना, 1/1+R। आई पावर में 4 कॉमन है, प्लस 1 बाई, आगे का अगर एक सोचे तो
ऐसा करते करते इन्फिनिटी तक जाएगा, क्या समझे? बोलिए इसमें कोई डाउट है, कॉमन लेने में कोई डाउट है? सो 100 इज इक्वल टू 15 बाई 1 प्लस आर, 18 बाई 1 प्लस आर स्क्वायर, 20 बाई 1 प्लस आर क्यूब, 12 बाई 1 प्लस आर 4। और इसको अगर सॉल्व करोगे ना, वही सोचो बच्चा, वही इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज की तरह सॉल्व करना होगा, जिसमें ए का वैल्यू है 1। मानोगे? ए यानी फर्स्ट टर्म, और आर का वैल्यू क्या है? आर माने कॉमन रेशियो क्या है? व्हाट इज कॉमन रेशियो? सोच पा रहे? मैं एक्स नहीं लिया इसलिए पूछ रहा हूं। अरे एक्स तो यहां लिया नहीं, लेट करते तो आप पट से पकड़ लेते। 1 बाई 1 प्लस आर इज योर कॉमन रेशियो। देखो कॉमन रेशियो पता करने का तरीका क्या है, सेकेंड बाई फर्स्ट, तो 1 बाई 1 प्लस आर होगा। 1 बाई 1 प्लस आर बाई 1 इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस आर। अगर ये दिक्कत तो दे रहा है ना, तो वही करना पड़ेगा फिर मेरे को, लेट 1 बाई 1 प्लस आर इज इक्वल टू एक्स, तो क्या बनेगा? 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। तो कॉमन रेशियो क्या आया? एक्स, और एक्स इज वॉट? 1 बाई 1 प्लस आर। सो इसका रेलिवेंसी कैसे आ रहा है? 1 बाई, अगर ए और आर का वैल्यू मालूम पड़ गया, तो 1 बाई ए बाई 1 माइनस आर होता है ना, 1 माइनस आर, आर इज 1 बाई 1 माइनस आर इज दिस 1। बोलिए कोई दिक्कत है? इसको सॉल्व करोगे तो ये अल्टीमेटली बनेगा क्या, मैं आपको बता देता हूं। आप सॉल्व कर लो अपने से, देखो मेंटली करो। इंटू 1 बाई आर, देखिए यही आएगा क्या? 1 प्लस आर माइनस 1, 1 प्लस आर एलसीएम में, 1 प्लस आर माइनस 1 में क्या क्या कट गया? हाँ, 1 प्लस आर माइनस 1 में 1 1 कट गया, और 1 प्लस आर ऊपर में चला जाएगा। क्या समझे? आर बाई 1 प्लस आर आ रहा है, दिक्कत हो रहा है तो आप एलसीएम ले लो। नहीं, कुछ बच्चे छटपटा रहे हैं, तो उनके लिए 1 बाई 1 प्लस आर माइनस 1 बाई 1 प्लस आर, तो ये कैंसिल हुआ। तो 1 प्लस आर डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में चला गया ना, तो अल्टीमेटली एक्सप्रेशन सॉल्व होके कहाँ पे आएगा? 1 प्लस आर बाई आर में आएगा। अब देखो, एक 1 प्लस आर और ये एक 1 प्लस आर कैंसिल भी हो गया, क्या समझे? तो क्या आया? 100 बाई 100 इज इक्वल टू 15 इंटू 1 प्लस आर, 18 इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर, 20 इंटू 1 प्लस आर क्यूब, अच्छा प्लस 12 बाई 1 प्लस आर क्यूब ही है, बट उसके साथ एक और है 1 बाई आर। इज इट फाइन? अभी इसको लेके इंटरपोलेशन ही करना पड़ेगा। अभी देखो, मैंने आपको कोई भी शॉर्टकट नहीं दिखाया, मैं बोला कि आप साधारण ज्ञान ऑफ गणित से चले जाइए, मैथ्स का जो जनरल कैलकुलेशन है उससे जाइए। अगर आप यही थोड़े से और इंटेलिजेंट हो जाएंगे ना, तो आपको दिखाऊंगा कि डायरेक्ट ये पहुंचा जा सकता था, इतना लिखना नहीं पड़ता। एक बार ऑब्जर्व कर लेना, जैसे मैंने ऊपर में सिखाया था आपको कि इनफाइनाइट सीरीज में यू यूज दिस 100 इज इक्वल टू 12 बाई आर, ठीक है? अब इन्फिनिटी का एक रूल है, देखो 1 से इन्फिनिटी का डिस्टेंस भी इन्फिनिटी होता है, 4 से इन्फिनिटी भी क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। तो जहां से इन्फिनिटी शुरू हुआ आपका, 4 से इन्फिनिटी शुरू हुआ ना, तो आप पूरा इसका एक्सप्रेशन पकड़ सकते थे कि यहां से यहां तक का वैल्यू होगा सर 12 बाई आर, ये पूरा का। बट ये शुरू कब से हुआ? फोर्थ ईयर का स्टार्टिंग से,
फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स। तो इसका जैसे आप एक चीज सोचो, कॉन्सेप्ट है ये पूरा, कॉन्सेप्ट ये बोल रहा है जब आप ऊपर वाले सम में किए थे, ऊपर वाला सम को एक बार याद करना, 100 रुपया लिया, ईयर वन का 12, ईयर टू का 12, ईयर थ्री का 12, और ऐसा करते करते इन्फिनिटी तक जब गया, तो आपका आंसर जो आया था 100 = 12/r, तो एक्चुअली जो आर निकाल रहे हो वो इस 12 को यहां पे ला रहा है, मतलब शुरू हुआ 1 से और लाया जा रहा है 0 पर, है ना? शुरू हुआ अगर 1 से तो लाया गया 0 पर 1 साल पहले। अभी यहां पे हमारे सम में मैंने शुरू किया आपका 4 से 5 से 6 से, तो 12/r से जो आंसर आएगा वो 0 का थोड़ी आ जाएगा, शुरू कहाँ से हुआ, 12 ईयर 4 से, फिर 12 ईयर 5। तो जब इस फॉर्मूला को यूज करते हो ना, तो आप 1 साल पहले आते हो, यानी ये ईयर 3 का आया। अब एक्चुअली जो मेन इक्वेशन चल रहा है वो तो ईयर 0 पे चल रहा है, ये तो 100 रुपया 0 का बात हो रहा है, अब ईयर 3 का चीज को ईयर 0 पे कैसे लाओगे, इसको पूरा को डिस्काउंट करोगे 1/1+r^3। अरे ईयर 3 का कोई भी कैश फ्लो होगा तो उसको ईयर 0 पे कैसे लाओगे, 3 बार डिस्काउंट करोगे ना। आप देखिए यही किया, इतना घूम फिर के आके सर ने सीधा यही यूज किया। वन बाई आर इंटू 12 जो है ना, वो क्या किया, 4 से इन्फिनिटी को 3 पे लाया, और 3 से 0 पे लाने के लिए मेरे को 1+r का क्यूब लेना पड़ा। समझ में आ रहा है? अभी कभी किसी क्वेश्चन में ऐसा हो जाए, 7 साल का दिया है, 7 साल का अलग 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 दे रहा है, 8वां से इन्फिनिटी फेंक रहा है, तो 8वां से कॉमन वैल्यू अगर इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो आप जब वो 12/r करोगे, वहां पे 12 नहीं होके कोई और वैल्यू दे दे, उसको divide/r करोगे, तो आप 7 पे आएंगे, 7 पे आएंगे। तो अब 7 से 0 जाने के लिए 1+r^7, क्या समझे, कहां से शुरू हुआ था, 4 से इन्फिनिटी, तो आप 12/r किए तो 3 पे आए, फिर 3 से हमको 0 पे ले जाना पड़ा। समझ गए? पुराने क्वेश्चन में 1 से इन्फिनिटी था तो सीधा आंसर 0 वाला आ गया, इसके ऊपर वाला क्वेश्चन में 1 से इन्फिनिटी था इसलिए जो आया 0 पे आया, शुरुआत कहां से हुई, 1 से, इसलिए आंसर 0 आया, शुरुआत कहां से हुई, 4 से, तो आंसर 3rd वाला आया, शुरुआत 8वां से हुई तो आंसर 7वां वाला आया, बट ओवरऑल इक्वेशन बोल रहा है सब 0 पे लाओ, तो पहले मेरे को 4 से इन्फिनिटी को 3 पे लाने दो, फिर हम 3 को अलग से 0 पे ले गए। 12/r करने से, 12/r करने से क्या हुआ, 3 पे आ गया, फिर 3 वाला को 0 पे ले जाने के लिए 1+r³ कर लिए। सर एग्जाम अलाउ करेगा, एग्जाम तो चाहता है आप डायरेक्ट इसको यूज करें, ये जो मैं आपको भी बताया, ये तो अभी प्रैक्टिस फंडामेंटल चल रहा है, तो फंडामेंटल से कई बच्चे डर जाते हो, बाप रे गुरु इतना मैथ्स, हम छोड़ देगा चैप्टर, कुछ लोगों का साइकोलॉजी ऐसे चलता है, बट ये दिखाना इसलिए जरूरी था कि इसका जड़ आपका देखा हुआ है, जरूरत इतना सा कही है, तो कभी भी भटक गए तो खुद से डिराइव हो जाएगा। ओके, अब इसको सॉल्व करने का तरीका जो है वो इंटरपोलेशन ही है। अभी ज्योमेट्रिक सीरीज खत्म हो गया, इन्फिनिटी खत्म हो गया, इंटरपोलेशन से ही आना पड़ेगा। इंटरपोलेशन में अभी साधारण ज्ञान दिमाग चलाने नहीं दे रहा है ना, तो इस समय में साधारण ज्ञान क्यों नहीं लगा पा रहे, रीजन रीजन क्योंकि ओरिजिनल अमाउंट है नहीं ना, तो आप ऐसे पकड़ सकते हो जबरदस्ती का कि 12 है, 20 है, 18 है, 15 है, एवरेज कर सकते हो जबरदस्ती, अंदाज एक फेंक रहे हैं, मतलब कॉमन सेंस तो हमेशा है ही ना, 16% आ रहा है। देखो अब मेरे को एकदम नहीं पता कि ये सही है कि ये नियरेस्ट है कि इससे ज्यादा होगा कि कम होगा, है ना, सबको जोड़ दिया मैंने, और एक तरह से सोच सकते हो साधारण ज्ञान में, जैसे इसका 12% पकड़ लो,
और इस 3 साल में करो, 15, 18, 20, 22, 3 करो। प्लस 12 कर दो तो उससे 18.94 आ रहे हैं, उससे भी सोच सकते हो। ठीक है, अभी एक बार अंदाज लग गया कि 16 है तो ठीक है, चलो 10 से ट्राई करते हैं। और क्या करेंगे, एक बार 10 से ट्राई करते हैं। लेट्स ट्राई विथ 10। तो उस प्रेजेंटेशन कैसे होगी, ईयर 1, 2, 3, 4, 4 नहीं है, 3 दो बार लिखूंगा, चलेगा ना। कैश फ्लो 15, 18, 20, 12, डिस्काउंटिंग फैक्टर से आर का वैल्यू 10% लिया है, प्रेजेंट वैल्यू 10% लीजिए, 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, अब मल्टीप्लाई करके लिखिए तो 15 × 0.909, 13.635। इसमें थोड़ा डिटेल प्रेजेंटेशन में जा रहा हूँ क्योंकि यूनिक केस है। 18 × 0.826, 14.868, 20 × 0.751, 15.02, 12 × 0.683, 8.196। अच्छा देखो, ये हुआ नहीं अभी, यहां तक हुआ है, ये वाला हुआ है, ये वाला नहीं लिए। इसमें इनटू क्या करना होगा, 1/r, तो r माना क्या है, 0.1। ये एक नया चीज है, इसमें जो भी आंसर आया, ये तो डिस्काउंट किया ना आपने 12 को, तो डिस्काउंट करके 8.196 हुआ। इनटू 1/r के लिए, इनटू 1/r इज 10%। अब इसका टोटल लीजिए आप, थर्टीन पॉइंट सिक्स थ्री फाइव एम प्लस 14.868 एम प्लस 15.02 एम प्लस 8.196 डिवाइडेड बाई 0.1 एम प्लस, दिस इज कमिंग 125.48। ठीक है, देन आर इज इक्वल टू, बढ़ाएं कि घटाएं, अपने को कितना चाहिए, 100, 100 चाहिए। अब बढ़ाएं तो कितना बढ़ाएं, ठीक है, अभी अंदाज काम नहीं करा, 16 था तो 16 से कम ही होगा, ये तो हम श्योर नहीं है। तो 20, मतलब मैक्सिमम गैप हमेशा 10% का होता है। अगर आपको श्योरिटी है तब आप 5% का लीजिए, जितना कम गैप लेंगे उतना एक्यूरेसी ज्यादा रहता है। करिए वैसे ही सेम प्रेजेंटेशन, करिए, हो जाएगा, 20 में आ जाएगा, 1 / 1.2, 0.833, 0.694, 0.579, हम लोग का एक रॉन्ग हो गया। ये मैंने फोर्थ ईयर ले लिया जबकि यहाँ पे 0.751 ही रखना था। 12 × 0.751, ये 9.012 रहेगा। तो 9.012 डिवाइडेड बाय 0.1, अब आप जोड़िए सारा, ये आ रहा है 133.643। अब इसको करिए, यहाँ पे 0.579 ही रहेगा, और यहाँ पे जो भी आएगा उसको इंटू करोगे 0.2 से, अब वो इंटू 1/0.2,
15 × 0.833, 12.495, एटीन इंटू पॉइंट सिक्स नाइन फोर 12.492, 20 × 0.579, 11.58, 12 × 0.579, 6.948, अब करिए 12.495, 12.492, 11.58, 6.948 डिवाइडेड बाय 0.2 कम आ गया, 71.307 आ रहा है। चलिए इंटरपोलेशन कर दीजिए, तो ये स्टेप वन हो गया। स्टेप टू, आर 10% है, 133.643, आर 20% है तो 71.307, तो आर कितना होना चाहिए जिससे कि आंसर 100 आ जाए। ये सब एक्चुअली एग्जाम में एक बार आया हुआ है, यू नो, और इंस्टीट्यूट मटेरियल में दिया हुआ है, तो बहुत बच्चे छोड़ ही देते हैं इसको। हम लोग भी कई बार बोलते थे छोड़ दे छोड़ दे, हर किसी का बस का नहीं है। क्यों दिमाग लगाएं ज़्यादा बताओ, बट अभी फंडामेंटल में ही आप ग्रिप में ले लिए हैं। आप सोचिए फिर आपको कोई डर थोड़ी है। हाँ मेहनत है, लेंथी कैलकुलेशन है, ये मानते हैं। फॉरवर्ड में चलिए, सो डिफरेंस इन प्रेजेंट वैल्यू और डिफरेंस इन रेट, हाईएस्ट लोएस्ट का डिफरेंस है 62.336, तो डिफरेंस इन रेट है 10%। फॉरवर्ड में जा रहे हो तो यहां से यहां तक जाओगे 33.643 के लिए कितना होगा, 10/62.336 इंटू 33.643, 5.4, सो देयरफॉर योर आंसर इज 10% प्लस 5.4, 15.4%। सर इसको क्रॉस चेक कैसे करेंगे? इसका क्रॉस चेक का कोई निंजा ट्रिक नहीं है, इट इज जस्ट कैलकुलेशन। यू हैव टू पुट हियर आर इज इक्वल टू 15.4% पुट करके देखना पड़ेगा, जैसे ये वाला सारा किया वैसे सारा करना पड़ेगा। ये भी निंजा में हो सकता है, करें करिए 15 / 1.154 इक्वल टू एम प्लस, एक बार हो गया, फिर दूसरा लगा 18 इक्वल टू एम प्लस, 20 तीन बार इक्वल टू, 1, 2, 3 एम प्लस, 12 तीन बार इक्वल टू, तीन ही बार थर्ड में ही है, फिर जो आया डिवाइडेड बाई 1/r करना है ना, तो डिवाइडेड बाई 0.154 इक्वल टू एमआरसी कितना रहा है, राउंडिंग ऑफ आ रहा है ना, बहुत 90 कितना आया, 90, हाँ वो राउंडिंग ऑफ का इश्यूज है यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेशन पे गए हैं।
समझ में आ रहा है, 15 डिवाइडेड बाय 1.154 इक्वल टू एम प्लस, फिर 18 इक्वल टू एम प्लस, 20 इक्वल टू एम प्लस, फिर क्या करना है 12 का तीन बार इक्वल टू, फिर जो आंसर आया 7.80 उसको डिवाइड करना है 1 बाई आर से, तो वो डिवाइडेड बाई 0.154 इक्वल टू 50.7, फिर उसको एम प्लस मिल गया, एमआरसी 90 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना? क्यों आ रहा है? बिकॉज राउंडिंग ऑफ बहुत हुआ है यहाँ पे। एक तो वो इनफाइनाइट सीरीज का भी राउंडिंग ऑफ है ना, और दोबारा राउंडिंग ऑफ हुआ है, तो एज अ कॉन्सिक्वेंस डिफरेंस खड़ा रहेगा। गैप भी ज्यादा लिए दिखे, जैसे आंसर अपना कंक्लूड हुआ 15.4, अगर आप 12-18 लेके करेंगे ना तो और कम आएगा आंसर, मतलब उसमें एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, आपको 95-96 रुपीस मिलेगा, तो ना चेक करने का शक्ति नहीं होता आदमियों में। अगर ये 5-6 कैलकुलेशन जो सीख गए आप, इसके अगर चैंपियन बन गए, तो इस चैप्टर का डर जो दुनिया वालों के जहन में बैठा हुआ है आपके जहन से निकल गया, क्योंकि मैं जो भी अगली क्लास से पढ़ाऊंगा उन सब में बस इसी कैलकुलेशन को यूज करूंगा और नाम दे दूंगा कि ये केडी हो गया, ये केई हो गया, ये केपी हो गया, थोड़ा बहुत टॉपअप खरीद दिया ना, आपको सजाना गुजाना देखना, कॉस्मेटिक चेंजेस होगा, दैट्स इट। बेसिक इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, खाली सजाना गुजाना है, अलग अलग नाम के हिसाब से क्या क्या फ्लेवर आएंगे वो सब देखना है। ये मतलब समझ लीजिए बेस है, रॉ मटेरियल एकदम यही है, हर एक में यही जाएगा, ठीक है।